85 साल की एक गांव की दादी माँ पिछले 60 सालों से एक ऐसे रूटीन को फॉलो कर रही है जिससे कि उनके आंखों की देखने की क्षमता, कानों की सुनने की क्षमता और सूंघने की क्षमता आज भी वैसे की वैसी है जैसे कि उनकी आज से 60 साल पहले हुआ करती थी। दादी माँ के चेहरे पर इतनी झुर्रियाँ आ चुकी है, चमड़ी लटक चुकी है, लेकिन आज भी उन्हें उतना ही दिखाई देता है जितना कि आज से उन्हें 60 साल पहले दिखाई देता था। दादी माँ से जब मैंने उनकी सेहत का राज पूछा तो दादी माँ ने मुझे एक बहुत ही खास चीज़ के बारे में बताया। वो चीज़ दोस्तों मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारा ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक्स जाता है सुनील जी को कर्नाटका से, सरिता जी को नेपाल से, अशोक जी को मानपुर से और रजनीश जी को नोएडा से। तो दादी माँ ने जैसे बताया कि बेटा मेरे आँखों की जो क्षमता है आज भी मुझे उतना ही दिखाई देता है जितना कि आज से मुझे 60 साल पहले दिखाई देता था। तो दादी माँ से मैंने पूछा कि आखिर आप ऐसे किस चीज़ का इस्तेमाल करती हो, जरा आप बताएंगी। तो दादी माँ बोलती है कि क्यों नहीं बेटा, मैं ज़रूर बताऊंगी और मैं तो ये भी चाहूंगी कि मेरी इस चीज़ के बारे में हर किसी को पता चले ताकि उनकी भी कभी नज़रें कमज़ोर ना हो, सूंघने की शक्ति कमज़ोर ना हो, सूंघने की जो शक्ति है वो भी कमज़ोर ना हो और वो हमेशा हष्ट पुष्ट रहे। तो दादी माँ ने बताया कि इसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो खीरा ले लेना होगा और खीरा लेने के बाद हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने होंगे और उसके बाद हमें एक पका हुआ लाल टमाटर भी ले लेना होगा। लाल टमाटर को भी हमें दोस्तों उसी तरीके से कट कर लेना होगा छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे कि हमने खीरे को कट किया है। ये दोनों चीज़ें दोस्तों वैसे तो आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, गुणकारी होती है और यह हमारे डाइजेशन को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखती है। किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इन दोनों चीज़ों का सेवन करना वह जरूर बताएंगे। और दादी माँ ने बताया कि हमें इसमें बेटा कुछ लहसुन की कुलियाँ भी ऐड करनी होगी जो हमारे डाइजेशन को सही रखती है, हमारे पाचन तंत्र को सही रखती है और इसके साथ साथ यह हमारी जो नज़र होती है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और गुणकारी होती है। तो दादी माँ ने बताया इन सभी चीज़ों को जो है वो हमें अच्छे से पीस लेना होगा, ग्राइंड कर लेना होगा। हमारे ज़माने में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता था इसलिए हम इसका इस्तेमाल कुंडी घोटे के रूप में करते थे, इनको हम अच्छे से कूट के फिर इसका रस निकालते थे। आपके यहाँ पर इन चीज़ों की व्यवस्था हो चुकी है तो आप एक मिक्सी का जार लेके इन सभी चीज़ों को डाल के, एक गिलास पानी डाल के इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना होगा। ग्राइंड करने के बाद आपको एक छलनी की मदद से अलग कोई कटोरी में या फिर बाउल में आपको छान लेना होगा। इसका पेस्ट थोड़ा गाढ़ा होता है इसलिए हमें चम्मच की मदद से इस तरीके से इसमें अल्टा पल्टी मरा देनी होगी। फिर हमें क्या करना होगा, इतनी क्वांटिटी में जो ये रस है वो मिल जाए इसके अंदर हमें थोड़ी सी आधी चम्मच से भी कम इसमें हल्दी ऐड कर देनी होगी। हल्दी हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, गुणकारी होती है, टर्मरिक होती है और यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आधी चम्मच से भी कम हमें इसमें हल्दी ऐड करनी होगी और हल्दी ऐड करने के बाद हमें इन सभी चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर देना होगा ताकि हल्दी के जो बबल्स है वो इसमें ना रहें, गुठलियां हैं वो ना रहे। इन हल्दी को मिक्स करने के बाद हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी होगी। तो मैंने दादी माँ से पूछा आखिर दादी माँ वो कौन सी चीज़ है और इसका हमें सेवन कैसे करना है ताकि जो हमारी जो आँखों की देखने की क्षमता, कानों की सुनने की क्षमता और सूंघने की क्षमता है वो बिल्कुल बनी रहे और हमारी जो शरीर में जो बीमारियाँ हैं उनसे हमें छुटकारा मिले। तो दादी माँ बोलती है कि वह चीज़ है बेटा नींबू। नींबू हमारी शरीर कोई गंदगी को काटने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही एक अच्छा स्रोत है। जब भी गर्मी आती है तो हर किसी के घर में नींबू पानी ज़रूर बनता है और ये नींबू पानी इसलिए घर पे बनाया जाता है ताकि ये जो हमारी शरीर की गंदगी को है वो एकदम अच्छे से धो सके और हमारा शरीर जो है वो वापस एकदम बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ हो चुके। तो मैंने दादी माँ से पूछा कि दादी माँ क्या हमें इसमें एक नींबू ऐड करना है। तो दादी माँ बोलती है कि नहीं बेटा, इसमें हमें एक नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, आधे नींबू का जो रस है हमें इसको अच्छे से निचोड़ लेना होगा, आधा नींबू ही हमें इसमें इस्तेमाल करना होगा और फिर इसको जो है हमें है वो अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। नींबू बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है, ज़्यादा समय इसमें लगेगा नहीं। तो मैंने दादी माँ से पूछा कि और भी कुछ हमें चीज़ें इसमें ऐड करनी है। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा अब हमें इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, बस अब हमें इसको हल्का सा मिक्स करना है और उसके बाद हमें इसका सेवन करना है। जब भी हम इसका सेवन करें तो याद रखें एक कप से हल्का थोड़ा सा ही ज़्यादा होना चाहिए और सिप सिप करके इसको पीना है, एक साथ इसको बिल्कुल भी नहीं पीना है ताकि यह अपना असर दिखा सके। दादी माँ की यह खास ट्रिक दोस्तों आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया के कौन से कोने से आप हमारी यह वीडियो देखते हैं ये भी हमें जरूर बताएं ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। अब मैं चलता हूं दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा। आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जाने से पहले आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो सब्सक्राइब कर लें ताकि
ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।